स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। और अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लड राउटिंग। ठीक है, तो फ्लड राउटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लड को आप कम कर रहे हो, राउट कर रहे हो। ठीक है, फ्लड को राउट कर रहे हो, फ्लड को कम कर रहे हो या मेजर कर रहे हो या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स निकाल रहे हो। कैसे निकाल सकते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज समझ लो आप कि अगर कोई ये चैनल ऐसे बह रहा है, ठीक है, ये कोई ऐसे चैनल बह रहा है या पानी बह रहा है, रिवर बह रही है, तो इस जहां से पानी ऊपर से आता है, ठीक है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए आपके लिए, इसको क्या बोलेंगे हम? अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर ये कोई चैनल है, ठीक है, ये कोई चैनल है, रिवर है, तो ये क्या हो गया आपका? अपस्ट्रीम पार्ट। और नीचे जहां पानी बह के आ रहा है उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये तो हो गया कोई चैनल अगर हो। ठीक है, मतलब यहां मान लो कोई बड़ा कैचमेंट है इधर साइड पे, यहां पे कोई बड़ा कैचमेंट है ऐसा, ठीक है, कैचमेंट एरिया, उससे सारा पानी कलेक्ट होके क्या हो रहा है? रिवर में आ रहा है। ठीक है, रिवर बन गई है, तो ऊपर वाले साइड को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, नीचे वाले साइड को बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। इसमें अगर आप, इसमें अगर हम इस कोई सेक्शन में डिस्चार्ज कैलकुलेट करके हाइड्रोग्राफ बनाएं, ठीक है, और या मान लो दो सेक्शन बना के वहां पे हाइड्रोग्राफ बनाएं और नीचे डाउन स्ट्रीम में भी दो सेक्शन लेके या एक सेक्शन लेके हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, तो हमको पीक कहाँ मिल सकता है, ज्यादा बड़ा पीक कहाँ होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये जो चैनल है ये कैसा है, इसकी स्लोप कैसी है, इसमें कोई स्टोरेज तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। तो फ्लड राउटिंग के लिए हमको क्या करना होगा? सब जगह डिस्चार्ज तो कैलकुलेट करना होगा, है ना, क्योंकि हम देखो हाइड्रोग्राफ में भी फ्लड या फ्लड में भी हम देखते थे पीक फ्लड, है ना, हाइड्रोग्राफ में भी हम क्या देखते थे? पीक फ्लड या पीक डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज ही हमको मेजर करना है जिसके कारण फ्लड आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपस्ट्रीम में भी देखेंगे, डाउनस्ट्रीम पे भी देखेंगे। ये तो हो गया अगर कोई चैनल है। ठीक है, अगर कोई रिजर्वायर है, मान लो डैम है, ठीक है, कोई डैम है, तो इसमें पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, और क्या होगा? पानी स्टोर होगा पहले, है ना, तो यहां पे इनफ्लो का पीक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटफ्लो या डाउनस्ट्रीम में। क्लियर है, क्योंकि पानी स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने बाथरूम में कुछ पानी, मतलब मान लो एक बहुत बड़ा टैंकर है या फिर मान लो एक बहुत बड़ी बाल्टी है, 40 लीटर या बोल सकते हैं 100 लीटर की बाल्टी है, बहुत बड़ी, ठीक है, अगर मैं पूरी 100 लीटर की बाल्टी उड़ेल देता हूं अपने बाथरूम में, तो क्या होगा? पूरा बाथरूम भर जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास एक 50 लीटर की खाली बाल्टी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? उस 50 लीटर में 100 लीटर डाल रहा हूं, तो 50 लीटर तो बच जाएगा ना मेरा, वो हमको रन ऑफ नहीं देगा, वो स्टोर हो जाएगा, बाकी का जो 50 है वो बहेगा, तो मेरी पीक क्या होगी? कम आएगी एज कंपेयर टू चैनल वाले में, इसमें। ठीक है, ये आप समझ गया, बेसिक है एकदम। ठीक है, कि हमारा पीक स्टोरेज में कैसे कम हो जा रहा है, अप स्ट्रीम में ज्यादा रहेगा, डाउन स्ट्रीम में कम हो जाएगा। और फ्लड राउटिंग में क्या करते हैं हम? अप स्ट्रीम में भी हाइड्रोग्राफ बनाते हैं और डाउन स्ट्रीम में भी हाइड्रोग्राफ बना के पीक देखते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे बहुत पीक आया तो फ्लड आ जाएगी। यहाँ मतलब कोई गांव है, ठीक है, ये क्या है, कोई विलेज है या सिटी है, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो फ्लड राउटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम डिजाइन कर सकते हैं कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे कि हाँ, हम उस पीक को कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई डैम बना दूंगा, ठीक है, तो हमारी फ्लड कम हो गई। मान लो एक साल बहुत बारिश हुई और ये गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, फिर हमने स्टडी की कि बाढ़ क्यों आई, तो हमने देखा कि यार पानी तो पूरा बहते आ रहा था, है ना, पानी तो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है पानी? क्योंकि आजकल फॉरेस्ट कम हो गए हैं, रोड्स ज्यादा बन गई हैं, है ना, तो आपका पानी इन्फिल्ट्रेट ना होके रन ऑफ हो रहा है, तो वो तो होगा ही, डेवलपमेंट होगी अब जब आपके कंट्री में, तो ये चीजें तो होंगी ही, है ना, ये क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे कोई डैम बना देंगे। ठीक है,
या कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर बना देंगे, या अगर ज़्यादा पीक नहीं है तो हम कोई स्पिलवे से भी काम चला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लड राउटिंग की हेल्प से, फ्लड राउटिंग में क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोग्राफ बना रहे हो बस, उसकी हेल्प से मैं इस गांव को डूबने से बचा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ सेक्शन ऑफ अ रिवर बाई यूटिलाइजिंग द डेटा ऑफ फ्लड फ्लो एट वन और मोर अपस्ट्रीम सेक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अपस्ट्रीम सेक्शन में एक या दो सेक्शन लेके हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो मुझे यहाँ पे पीक पता चल जाएगी और उस पीक को अब मैं कैसे भी करके कम कर सकता हूँ, या तो अगर आगे जगह है कि हाँ वो पीक ये जगह सह लेगी, यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा बाउंड्री के पानी, ठीक है। बाढ़ क्या होती है, फ्लड मैंने आपको बताया था, जब रिवर अपने बैंक से पार होने लग जाती है, ठीक है। रिवर का एक एरिया होता है कि हाँ इतने में बहेगी रिवर, लेकिन बारिश के सीजन में जब बहुत ज़्यादा रन ऑफ आता है तो क्या होता है, पानी उसमें समा नहीं पाता और पानी बाहर आ जाता है और शहरों में भर जाता है, ठीक है। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ से हम वही पीक देख लेंगे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिशों में नोटिस जारी होता है कि हाँ अब रिवर खतरे के निशान से ऊपर है, अब गांव के गांव खाली करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक हमको लेवल मिल जाता है, आप पहले से फोरकास्ट कर पाते हो कि हाँ मुझे ये पीक मिल गई है तो अब मुझे यहाँ से भगना पड़ेगा, है ना। और आगे के सालों के लिए आप वहाँ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो ताकि आगे ऐसा मौका ना मिल पाए, ठीक है। तो फ्लड राउटिंग हमको काफ़ी चीज़ हेल्प करती, क्या हेल्प कर रही है, पहली यूज़ क्या है फ्लड राउटिंग का, पहला है एस्टीमेट करेगा आपका फ्लड, ठीक है, आपका फ्लड एस्टीमेट करेगा। दूसरा, ये कोई अगर रिजर्वायर बना रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, ये पीक को कम करने के लिए बाढ़ ना आए तो एक रिजर्वायर बना रहे हैं, तो उसकी भी डिज़ाइन कर सकते हैं हम, आगे 50 साल के लिए पीक क्या होगा, 50 साल का रिटर्न पीरियड निकालना सीख चुके हो आप, 100 साल का, 1000 साल का भी सीख लियो, है ना, और अलग अलग मेथड से भी सीख लियो, है ना। अगर आप पुराने वीडियो देखते आ रहे हो तो आप सीख चुके होगे वो सब, है ना। चलो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहला एस्टिमेट कर सकते हैं पीक, दूसरा कोई रिजर्वायर की कैपेसिटी या डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगले 1000 साल तक के वो फ्लड को संभाल ले, ऐसा कोई रिजर्वायर बना ले हम, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, और आप कोई फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। अगर रिजर्वायर जितना बजट नहीं है तो कोई छोटा स्ट्रक्चर बना लिए, या ज़्यादा बड़ा फ्लड नहीं आ रहा है तो कोई छोटा स्ट्रक्चर बना लिए, कंट्रोल कर लिए उसको फ्लड को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, कोई स्पिलवे बना सकते हैं, है ना, डैम के बाजू में स्पिलवे तो होता ही है, हम इरिगेशन में देखेंगे उसको भी, है ना। स्पिलवे क्या होता है, एक सेफ्टी वॉल होता है, मैं बता देता हूँ आपको, एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्पिलवे का, कि स्पिलवे क्या होता है, एक छोटा सा सेफ्टी वॉल होता है, मान लो बड़े डैम का सेफ्टी वॉल, ठीक है। अगर क्या होगा, मान लो ये डैम है, ये बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, पानी बहुत तेज आया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया और गेट के ऊपर से चला गया पानी, फिर गेट ओपन नहीं होते, ठीक है, फिर आपके गेट्स ओपन नहीं होते डैम के, अगर पानी गेट के ऊपर आ गया तो, है ना, कोई अगर प्रैक्टिकल फॉल्ट हो गया, आप टाइम से देख नहीं पाए तो वो गेट के ऊपर आ गया अगर, तो अब क्या करोगे, अब आपका पूरा डैम कोलैप्स हो सकता है। तो उसके लिए हम पूरे डैम को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्पिलवे से स्पिलवे बनाते हैं एक, ठीक है, कि कभी भी पानी गेट के ऊपर ना जा पाए, जितना भी ओवरफ्लो होगा स्पिलवे से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप एक स्पिलवे भी डिज़ाइन कर सकते हो कि जिसके कारण फ्लड भी ना आए और हमारा डैम भी बच जाए, ठीक है। तो ये सब आपको कौन देगा, फ्लड राउटिंग। अभी हम सीखेंगे कि फ्लड राउटिंग करते कैसे हैं, एक ये इंट्रोडक्शन है बस, ठीक है। चलिए, और क्या यूज़ है इसका, और इसका यूज़ है कि जो फ्लड वेव्स आएंगी, है ना, मतलब पीक, उसको बता देगा ये, है ना, क्योंकि हम हाइड्रोग्राफ तो बना ही रहे हैं अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम से अगर कोई बड़ी पीक आ रही है या वेव आ रही है तो वो हमको पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या करता है आपको, अगर रिवर में हमारे पास हाइड्रोग्राफ है, डिस्चार्ज है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं हम उससे, अगर रिवर में कोई भी चेंज आ रहा है सेक्शन में तो पानी का बिहेवियर क्या होगा। मान लो मेरी रिवर आगे जाके, है ना, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ और ये ऐसे पतली हो गई, ठीक है, रिवर क्या हो गई, पतली हो गई, आगे जाके आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, तो
तो उसके कारण पानी क्या बिहेव करेगा ये मुझे कौन बताएगा? फ्लड राउटिंग की हेल्प से हम निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग पीक डिस्चार्ज। इसमें आप फ्लड हाइड्रोग्राफ बना रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक पीक डिस्चार्ज मिल ही जाएगा, और स्टेज ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, स्टेज मतलब हाइट, क्या हाइट मिल रही है मुझे जब पानी बह के निकल रहा है तो, है ना, फ्लड क्या निकल रहा है। तो हमको अगर पीक मिल जाए डिस्चार्ज की, एरिया मिल गया, तो मैं हाइट निकाल लूंगा, है ना। चलो, और टाइम मिल गया अगर करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब यूजेस मैंने आपको बताया किसके काम आता है, ये एस्टिमेट करने के आता है, डिजाइन ऑफ फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डिजाइनिंग ऑफ एनी रिजर्वायर, रिजर्वायर के डिजाइनिंग में काम आता है। नेक्स्ट, इन डिजाइंस ऑफ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको इसमें हमको पीक पता चल जा रहा है कि हमारे अपस्ट्रीम में पीक क्या आ रहा है, तो आप हर चीज को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, और क्या कर सकते हैं हम, इन अ स्टडी ऑफ फ्लड वेव भी बताया था मैंने आपको। और अगर रिवर में कोई भी चेंज आता है, बिहेवियर ऑफ रिवर आफ्टर अ चेंज हैज बीन डन इन अ चैनल सेक्शन, अगर हम चैनल में कोई चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो रिवर में क्या बिहेवियर आएगा वो भी कौन बताएगा हमको, वो भी हमको कैसे पता चलेगा, फ्लड राउटिंग, ठीक है। ये कोई एक प्रोसेस है ये, ठीक है, कोई एक मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं हमको फ्लड से बचाने के लिए और इतने सारे चीज करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब इसका एक बेसिक देखते हैं कि फ्लड राउटिंग में होता क्या है, ठीक है, या आप बोल सकते हो वेव एक्शन देख लेते हैं एक बार, या इसके बेसिक टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एक और चीज समझा देता हूं मैं आपको यहां पे। तो मान लो मैं पहला हाइड्रोग्राफ कहां बना रहा हूं, अप स्ट्रीम में बना रहा हूं, यहां पे डिस्चार्ज की रीडिंग ले रहा हूं और एक हाइड्रोग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक, ये मैंने क्या बना लिया, मान लो DRH बना लिया, ठीक है, जिसका पीक है, मान लो जिसका पीक है, छोटी वैल्यू ले लेते हैं कोई 30 m³/s, ठीक है। यहां हम ले लेते हैं डिस्चार्ज और यहां हम ले लेते हैं टाइम, ये आएगा आवर्स में और ये आ जाएगा आपका m³/s में, ठीक है। तो ये पीक जो मुझे मिली है, मान लो ये मुझे मिली 7 घंटे के बाद, ठीक है, कितने बजे मिली, 7 आवर लिख दे रहा हूं मैं, 7 आवर, बारिश होने के 7 घंटे या स्टार्ट होने के 7 घंटे बाद मुझे पीक मिली, कितनी मिली, 30 m³/s। कहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली, अप स्ट्रीम में मिली, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, एक हाइड्रोग्राफ या डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ DRH कहाँ बनाऊँगा, डाउन स्ट्रीम में बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे इस चैनल में कोई फ्रिक्शन फोर्स भी तो होगा, है ना, आपको जो पानी को रोकेगा आने से, ठीक है, और कोई स्टोरेज होगा, कोई गड्ढा होगा, मान लो चैनल में कोई गड्ढा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल चैनल की बात कर रहा हूँ जब हम चैनल में बना रहे हैं, ठीक है। जब हम रिजर्वायर में बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा होगा। मैंने बताया था, मैं 100 लीटर बाल्टी अगर पूरे बाथरूम में डालूँ तो बह जाएगा पूरा पानी, और अगर बाथरूम में 50 लीटर की एक खाली बाल्टी पड़ी है, अब मैं उसमें 100 लीटर डालूँ तो 50 तो आपका बाल्टी के अंदर आ गया, है ना, बाकी 50 बाहर बहेगा, तो पीक क्या हो जाएगा उसका, कम होगा एज कम्पेयर टू जब आप 100 पूरा का पूरा डालोगे। तो जब मैं अगर रिजर्वायर में बना रहा हूँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कोई हाइड्रोग्राफ, तो ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में पीक वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट या बहुत ज़्यादा पानी कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इस डैम या रिजर्वायर में ही इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चैनल को देखते हैं, चैनल में भी डाउन स्ट्रीम में कम हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है। कुछ पानी अगर फॉरेस्ट एरिया है, लैंड यूज कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी रोड बनी हुई है तो फिर तो मुश्किल है, तब भी थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन तो हो गई, पानी को यहाँ से यहाँ
ट्रैवल होने में, या कोई बड़ा गड्ढा होगा या कुछ तालाब होंगे, तो भी उसका पीक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बन गया मान लो मेरा इनफ्लो का ग्राफ। अगर ये बन गया मेरा इनफ्लो का ग्राफ तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आउटफ्लो या फिर डाउन स्ट्रीम में जब मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका पीक कम होगा, क्यों कम होगा, मैंने आपको रीजंस दिए हैं ना, या तो फ्रिक्शन फोर्स होगा या स्टोरेज होगा, है ना, या इन्फिल्ट्रेशन होगा। इस केस में रिजर्वायर के केस में तो स्टोरेज है बहुत बड़ा, ठीक है, या कुछ फ्रिक्शन फोर्स होंगे, है ना, उसके कारण क्या होगा, पीक कम भी हो जाएगा। पीक मान लो अब रह गया है सिर्फ 20 m³/s, ठीक है, और ये आ रहा है मान लो 11th आवर में, लेट भी आएगा पीक, है ना, 4 घंटे लेट भी हो जाएगा क्योंकि पानी को आने में टाइम लगेगा, ठीक है, और पीक कम भी हो जाएगा डाउन स्ट्रीम तक आते आते, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत इधर उधर बट जाएगा, है ना, यूज हो जाएगा कुछ पानी, इसलिए पीक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, पीक में भी डिफरेंस आ रहा है, पीक कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, है ना, रीजंस कि आप इस स्ट्रीम में हमारा स्टोरेज होगा, फ्रिक्शन होगा, उसके कारण कम पानी ही आ पाएगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये जो मेरा पीक कम हो जाएगा इसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन ऑफ द पीक। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन ऑफ द पीक। तो अटेन्यूएशन कितना हो गया है, 10 m³/s कम हो गया है, है ना, हमारा फ्लड क्या हो गया, राउट हो गया, फ्लड कम हो गया है ना, कैसे हुआ है वो हमने डिजाइन किया है, या फिर उसमें कम आया है डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, एटेन्यूएट हो गया है पीक, कम हो गया है। ठीक है, वैसे ही पीक का जो टाइमिंग था वो भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पहले 7th आवर में आ रहा था, अब 11th आवर में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लैग टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैग टाइम। ठीक है, पीक के टाइमिंग में जो डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे लैग टाइम। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, यहां कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका पूरा लैग टाइम। क्लियर है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक बेसिक इक्वेशन, और पहले फिर उसके बाद देखेंगे हम टाइप ऑफ फ्लड राउटिंग, कैसे कैसे आप फ्लड राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्लड राउटिंग, ठीक है, मैंने आपको वैसे भी इंट्रोडक्शन में बताया था दो टाइप की राउटिंग हो रही है ना, दो टाइप की राउटिंग मैंने करके बताई थी, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग। तो हम इसमें पहली चीज देखते हैं रिजर्वायर राउटिंग। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका रिजर्वायर राउटिंग। ठीक है, तो रिजर्वायर राउटिंग क्या कब करेंगे हम, जब हमारे पास कोई डैम हो या रिजर्वायर हो। ठीक है, मान लो कोई डैम है, इसमें हम क्या करेंगे, इनफ्लो में हाइड्रोग्राफ बना देंगे और आउटफ्लो में बना देंगे, और स्टोरेज भी रहेगा आपके पास, है ना, यहाँ पे कि कितना पानी स्टोर हो रहा है, फिर कितना पानी बह के जा रहा है ना, तो ये आप किस में करोगे, एक रिजर्वायर में। तो जब आप रिजर्वायर में राउटिंग करते हो तो आप इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो कि मैं कोई रिजर्वायर कैसे डिजाइन करूंगा, है ना, डिजाइन ऑफ रिजर्वायर, डिजाइन ऑफ रिजर्वायर, है ना, किसी रिजर्वायर में राउटिंग करना मतलब क्या होता है, पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। राउटिंग करना मतलब हम हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं इनफ्लो में भी और आउटफ्लो में भी, ताकि उसका पीक निकाल सकें और फ्लड का पता लगा सकें। ठीक है, तो हम अगर रिजर्वायर में कर रहे हैं तो हम डिजाइन कर सकते हैं रिजर्वायर, उसकी हेल्प से, रिजर्वायर राउटिंग की हेल्प से आप रिजर्वायर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, स्पिलवे है उसको डिजाइन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो सेक्शंस, है ना, आसपास के जो सेक्शन बने हुए हैं डैम में
उनमें कंट्रोलिंग कैसे होनी चाहिए, कंट्रोल सेक्शन बना सकते हो, ठीक है, डैम की हाइट बड़ी करवा सकते हो, या स्पिलवे भी डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन ऑफ स्पिलवे, ठीक है, मतलब एक रिजर्वायर से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे या फिर जो भी फ्लड आ सकती है उसको आप फोरकास्ट कर सकते हो रिजर्वायर राउटिंग में, लेकिन रिजर्वायर के पास होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड होता है हमारा, सेकेंड मेथड है चैनल राउटिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे चैनल राउटिंग, ठीक है। चैनल राउटिंग मतलब कोई रिवर बह रही है या कोई ओपन चैनल है, उसमें जब आप इनफ्लो और आउटफ्लो, मान लो ऐसे कोई रिवर बह रही है, इसके इनफ्लो और आउटफ्लो में जब आप हाइड्रोग्राफ बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं चैनल राउटिंग। एकदम सिंपल है, ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही चीज है ना। आपको 10 जगह आप देखोगे, ये 10 जगह अलग अलग टाइप से बताते हैं लोग, ठीक है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जब आप चैनल में इनफ्लो और आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ बना करोगे, निकालोगे, तो उसको हम बोलेंगे चैनल राउटिंग, ठीक है। अब चैनल राउटिंग किसके काम आ रही है, जैसे रिजर्वायर राउटिंग किसके काम आई थी, रिजर्वायर को डिजाइन करने के लिए, स्पिलवे को डिजाइन करने के लिए, डैम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको डिजाइन करने के काम आई थी। अब अगर ये चैनल राउटिंग किसके हेल्प में आएगी, चैनल राउटिंग हमको फ्लड फोरकास्टिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। चैनल कोई रिवर के कारण ही फ्लड आ रहा है ना, डैम के कारण तो नहीं आ रहा है फ्लड, किसके कारण आ रहा है, नेचुरल चैनल्स या रिवर के कारण हमारा फ्लड आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चैनल राउटिंग करके उस फ्लड को निकालेंगे और फिर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम मेजर्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए काम आएगी, ये फॉर फ्लड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो आपको दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर है, जब आप रिजर्वायर पे राउटिंग करोगे तो उसको हम रिजर्वायर राउटिंग बोलेंगे, मतलब जब रिजर्वायर में आप इनफ्लो और आउटफ्लो के हाइड्रोग्राफ बनाओगे तो हम उसको रिजर्वायर राउटिंग बोलेंगे, और जब कोई रिवर में करोगे यही सेम चीज तो हम उसको चैनल राउटिंग बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है दोनों टाइप ऑफ राउटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिक इक्वेशन, ठीक है। बेसिक इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, इसमें हम ज्यादातर क्या लगा रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं, पानी क्या बह के आया था एक सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में क्या रहा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, चेंज इन स्टोरेज। यही थी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, हमने पहले भी देखा था, किसमें देखा था, वाटर बजट में, है ना, चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिक इक्वेशन। इसमें अगर मान लो ये कोई एक हमारा हाइड्रोग्राफ है, कुछ ऐसा बना है ये, ठीक है, ऐसा बना है कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसके एक सेक्शन में इनफ्लो देख रहा हूं, ये हो गया इसका इनफ्लो हो गया, मान लो यहां पे ये हो गया आपका I1 और ये हो गया I2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो सेक्शन में रीडिंग ले रहा हूं और टाइम के बीच का डिफरेंस है मान लो डेल्टी, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में मैं दो डिस्चार्ज की वैल्यू ले रहा हूं इनफ्लो के टाइम, और वैसे ही आउटफ्लो के टाइम भी मैं दो डिस्चार्ज की वैल्यू ले रहा हूं, है ना, Q1 और Q2, ठीक है। और ये किससे, ये है हमारा डेल्टी से, टाइम इंटरवल डेल्टी के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, मान लो 1 मिनट 5 मिनट, है ना, बहुत ही छोटा होगा डेल्टी, ताकि ये I1 और I2 का रिलेशन कैसा रहे, लीनियर हो, ठीक है। तब मैं ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, तब मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि I1 + I2 / 2 (Δt - Q1 + Q2 / 2) (Δt) =
S2 - S1 चेंज इन स्टोरेज, है ना, ऐसा लिख सकता हूं मैं बेसिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गई हमारी, एक बेसिक इक्वेशन, ठीक है, किसके लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, चेंज इन स्टोरेज के लिए, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, ये क्या बन गई आपकी, एक बेसिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा रिजर्वायर राउटिंग कैसे करते हैं, कि रिजर्वायर राउटिंग में होता क्या क्या है, ठीक है, और इसके लिए जरूरी डाटा क्या क्या है और किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिजर्वायर राउटिंग सबसे पहले हम कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिक, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलॉजिक, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर राउटिंग दो होता है, एक हाइड्रोलॉजिकल होता है, एक हाइड्रोलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सिंपल बता रहा हूं, हाइड्रोलॉजिकल मतलब सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और अगर हाइड्रोलिक होता तो ये टाइम और स्पेस दोनों पे डिपेंड करता। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारा आउटफ्लो स्टोरेज होगा, ठीक है, जो हमारा आउटफ्लो स्टोरेज होगा, आउटफ्लो का जो कर्व होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं स्टोरेज लिख देता हूं मैं, ठीक है, स्टोरेज जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टोरेज या किसके कारण वेरी करेगा, बोल सकता हूं मैं एलिवेशन के कारण, पानी का जो एलिवेशन है उसके कारण स्टोरेज क्या होगा, वेरी करेगा, है ना, एलिवेशन ज्यादा है तो स्टोरेज ज्यादा होगा, और अगर एलिवेशन कम होगा तो स्टोरेज कम होगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्चार्ज भी क्या होगा, डिस्चार्ज भी किसके साथ वेरी करेगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी हमारा किसके साथ वेरी करेगा, एलिवेशन के साथ। ठीक है, और हमारा एलिवेशन कैसे आएगा, एलिवेशन टाइम के साथ साथ आता जाएगा पानी, है ना, ये कोई मान लो डैम है, ये डैम है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है। ठीक है, अब इसका स्टोरेज किस पर डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन पे। ठीक है, कितना एलिवेशन आया है, डिस्चार्ज जो इससे निकलेगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा, एलिवेशन में। ठीक है, और जो एलिवेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि हाँ किस टाइम से आ रहा है। ठीक है, तो एलिवेशन खुद किस पर डिपेंड करेगा, एलिवेशन खुद डिपेंड होगा टाइम पे। तो ये बाकी की दोनों चीजें भी ये खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, तो बाकी के ये दोनों चीजें भी किस पे डिपेंड हो जाएंगी, टाइम पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कि स्टोरेज, डिस्चार्ज और एलिवेशन सब किस पे हो रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है, सब चीज हम किस में करेंगे, टाइम पे स्टडी। ठीक है, अब अगर मुझे हाइड्रोलॉजिकल, सॉरी, ये रिजर्वायर राउटिंग करनी है, ठीक है, रिजर्वायर राउटिंग करनी है, या हमको पीक निकालना है, अलग अलग पॉइंट पे डिस्चार्ज निकालना है और फ्लड को कम करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डाटा होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, अभी देख लेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, ये चीज़ें हमको मिलती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए इनफ्लो की सारी वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ इनफ्लो, इनिशियल वैल्यूज, सॉरी, इनिशियल क्या होनी चाहिए हमारे पास, इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए, किस किस की, आई की, आई मतलब यहां पे क्या है, इनफ्लो, ठीक है, और आउटफ्लो भी होना चाहिए इनिशियल, ठीक है, मतलब आई वन आई टू तो होना ही चाहिए और क्यू वन भी होना चाहिए, और हमारे पास स्टोरेज की भी इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों डाटा होना चाहिए, और हमारे पास इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो होगी इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास होनी चाहिए चीज वो क्या है, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए एलिवेशन वर्सेस आउटफ्लो का ग्राफ, सॉरी, एलिवेशन वर्सेस आउटफ्लो का ग्राफ या फिर वैल्यूज होनी चाहिए। और फोर्थ हमारे पास होना चाहिए एलिवेशन वर्सेस
स्टोरेज का ग्राफ, ठीक है। वो सब अभी कैसे बनाते हैं, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। बस आपको देख लो कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए, ठीक है। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ होना चाहिए, इनिशियल वैल्यूज ऑफ आई क्यू एंड एस होना चाहिए, और हमारे पास होना चाहिए स्टोरेज वॉल्यूम और एलिवेशन का ग्राफ, और एलिवेशन और आउटफ्लो का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, रिजर्वायर राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है।